वही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज शुक्रवार सुबह हाथरस पहुंचे और सत्संग में भगदड़ मचने वालों की घटना में जान गंवाने वालों के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने उनसे इस घटना के बारे में बात की। इससे पहले राहुल ने अलीगढ़ में भी मृतकों के परिजन से मुलाकात की। उनके साथ कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अजय राय, पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रभारी अविनाश पांडे और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद हाथरस में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहां पीड़ितों से मिला, वे बहुत दुख हैं। वही पीड़ितों ने यह भी तरफ से कमी और लापरवाही से यह बड़ा हादसा हुआ है। अब मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो भी मुआवजे का ऐलान किया गया है उसे देने में कोई भी लापरवाही ना हो, साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पीड़ितों को न्याय भी मिले। वही गौरतलब है कि बीते मंगलवार को हाथरस में स्वयंभू बाबा भोले के सत्संग में भगदड़ के बाद कुल 123 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। पुलिस की माने तो इस घटना में जान गंवाने वाले 121 में से 17 लोग अलीगढ़ से थे और 19 लोग हाथरस से थे। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई है, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय, कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें, मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर।